सो गाइस, जैसलमेर का एडवेंचरस सफर खत्म करके हम आ पहुंचे इस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंटल साइट में जिसका नाम है बड़ा बाग। और इसे बड़ा बाग क्यों कहते हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट ये जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी मेजेस्टिक है कि यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस। एंट्री टिकट अराउंड 250 रुपीज़, टैक्सी टाइम 25 मिनट और 12 किलोमीटर दूर है तकरीबन सिटी से, सो इजीली एक्सेसिबल है। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देख रहे हैं इन्हें छतरी कहा जाती है, जो रॉयल फैमिली मेंबर की डेथ पे उनकी मेमोरी पे बनाई जाती है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता है, बिकॉज हमें मिले हमारे गाइड मिस्टर आर्यन, जिन्होंने इसके अलावा हमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन दी इस जगह के हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में अवेयर करवाया। मिस्टर आर्यन ने हमें बताया कि यहाँ पे इस पूरे प्रिमाइस में 107 छतरियाँ हैं और ये 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स कंस्ट्रक्शन इनका शुरू हुआ था, उससे पहले की छतरियाँ आपको सिटी में मिलती है। हर छतरी अपने में यूनिक है, जहाँ पे ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शंस है रिटन इन पाली लैंग्वेज डिपिक्टिंग द इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन दैट पर्सन्स लाइफ। अब आर्किटेक्चर की बात करें तो प्रेडोमिनेंटली दो स्टाइल्स बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं वो शिखर स्टाइल या टेंपल स्टाइल आर्किटेक्चर में बने हैं और जो नए कंस्ट्रक्शन हैं वो मोस्टली डोम शेप आर्किटेक्चर में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, इसे बड़ा बाग क्यों कहा जाता है, इज बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल लेक। सो महाराजा जय सिंह सेकंड ने यहाँ पे डैम का कंस्ट्रक्शन कमीशन किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ग्रीनरी हो गई थी और उन्हीं के डिसेंडेंट लुनकरन जी ने यहाँ पे मैंगो ट्रीज प्लांट करके इस एरिया को बड़ा बाग का नाम दिया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।